नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। कानपुर चकेरी पुलिस की अंतर्राज्यीय गैंग के अपराधियों से हुई मुठभेड़, 25,000 के इनामी दो अपराधियों को लगी गोली। पूरा मामला चकेरी थाना क्षेत्र अंतर्गत है, जहां अंतर्राज्यीय गैंग के अपराधियों की पुलिस से मुठभेड़ हो गयी। अपराधी वैगनार गाड़ी से थे। पुलिस को चार अपराधी होने की सूचना मिली थी, जिसमें से 25,000 के इनामी दो अपराधियों की गोली लगी है। अन्य अपराधियों की भी तलाश की जा रही है। घटना स्थल पर पुलिस उपायुक्त पूर्वी एवं एसीपी चकेरी व अगल बगल के थानों की फोर्स भी मौजूद है। मामले के संबंध में डीसीपी पूर्वी श्रवण कुमार ने दी जानकारी। आइए जानते हैं कि डीसीपी पूर्वी श्रवण कुमार ने क्या कहा। कैमरामैन बबिता वर्मा के साथ यूपी स्टेट सीनियर रिपोर्टर हामिद हुसैन की रिपोर्ट। क्या है पूरी घटना, किस तरह से जो है हुई? ये देखिए, फरवरी महीने में हमारे यहाँ एक डकैती पड़ी थी रामगली मोहल्ले में। जो प्रिंसिपल हैं हेमलता जोशी जी, 70 वर्ष की उम्र है, और उस डकैती में बदमाशों को सूचना ये थी कि ये 5 से 7 करोड़ रुपया रखा हुआ है। उस बदमाशों का हम लोग हमेशा सर्विलांस पे पीछा कर रहे थे, लगे हुए थे, हमारी टीम लगी हुई थी, और ये फिर डकैती डालने के फिराक में थे और उनसे मुठभेड़ हुई है। ये लोग चूंकि वांछित चल रहे थे, इन पे इनाम रखा हुआ था 30,000 रुपये, 25,000 रुपये का दोनों पे इनाम है। एक और एक पकड़ा गया है, उस पर भी 25,000 रुपये का इनाम है। तो इंटर स्टेट गैंग के एक क्रिमिनल है। डिटेल जब हम लोगों ने जब इसमें छानबीन की, पता चला कि 2022 में कल्याणपुर में डकैती हुई थी, और उस डकैती में जो ये लोग डकैती डाल रहे थे, मौके से 5 लोग अरेस्ट हुए थे और 2 उसमें वांछित चल रहे थे जो नेम्ड हुए थे उस समय इंट्रोगेशन में, और ये जिनको आज गोली लगी है ये भी उस मुकदमे में तथ्य वांछित चल रहे हैं। तो ये एक इंटर स्टेट गैंग है, और एक इनके अभी और क्राइम को हम लोग तलाशेंगे। इसमें एक जो एक्यूज पकड़ा गया है वो एमपी का है, मध्य प्रदेश का है, दिल्ली इनका मेन ऑपरेशन एरिया है, और दिल्ली यूपी इनका बेसिक ऑपरेशन का एरिया है। किस तरह से सूचना मिली और किस तरह से मुठभेड़ हुई, कैसे सूचना मिली, कहां जा रहे थे? जिस दिन से डकैती पड़ी थी हमारी टीम लगातार लगी हुई थी सर्विलांस के माध्यम से, बाकी चीज के माध्यम से। इनका मूवमेंट फिर इधर आने का हुआ, बीच में लोग दिल्ली को मूव किए थे, फिर उसके बाद आए, और हमारी टीम लगी हुई थी, और डिटेल्स में पूछताछ करेंगे कि आगे का प्लान इनका क्या था कहीं पे क्राइम करने का। लेकिन चूंकि हमारी टीम लगी हुई थी, हमारे इंस्पेक्टर चकेरी लगे हुए थे, और उसके तहत उनकी टीम ने पीछा किया, इन्होंने फायरिंग करी, क्योंकि ये बैगनार गाड़ी से थे, और बैगनार गाड़ी से जब इन्होंने पीछा किया तो उसी में पता चला कि आरोपियों ने कई राउंड फायरिंग करी है। आरोपी ने कई राउंड फायर किए हैं। इसमें जो एक और बड़ी बात निकल के आ रही है कि वे जो महिला है जिनके घर में उनको डकैती डालना था, उनकी एक बेटी अल्मोड़ा में रहती, तो वहां पे भी इनका प्लान बना था करने के लिए, लेकिन वहां पे नहीं जा पाए। तो इसमें जो इनके साथ एक मेन है वो जो इनके टच में रहा है, जो लेडीज है उनके परिवार के संपर्क में रहा था, तो ये पूरा का पूरा प्लान उसी ने किया था डकैती डालने का सर। और ये फीडबैक दिया था कि 5 से 7 करोड़ रुपया अगर सफल हो जाएगा तो मिल जाएगा, लेकिन वो ऑपरेशन सफल नहीं हुआ इनका, क्योंकि लेडीज बोल्ड थी, उन्होंने विरोध किया, और उसके तहत ये लोग कोई असलाह वगैरह बरामद हुई है। हाँ, इनसे कंटेनमेंट पिस्टल बरामद हुई है सर। पहले भी कभी कोई घटना को अंजाम दे चुके, इनकी पुलिस से मुजाहमत हुई है, उसके मुकदमे लिखे हुए हैं देहरादून में, और दिल्ली में भी हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि दिल्ली इनका बेस है, तो वहां से इनके क्या मुकदमे हैं उसको हम लोग देख रहे हैं। और इनका जो काम करने का तरीका है बहुत साधारण रहा है, हाउस रॉबरी करना, लूट करना, तो ये हम लोग लगे हुए हैं, उसकी डिटेल हम लोगों को जैसे मिलेगी। लेकिन शातिर अपराधी हैं, इंटर स्टेट अपराधी हैं, इनामी अपराधी हैं, तो पुलिस ने जो कार्रवाई की है और जो हमारे सीपी सर का निर्देश है कि अपराधियों पर सख्ती से कार्रवाई की जाए, तो पुलिस कमिश्नर महोदय के निर्देश के क्रम में और जो गाइडेंस है उसके क्रम में हम लोगों ने अपराधियों पर धरपकड़ की। क्या नाम है जो